यूज़फुल है हम लोग के लिए। अब 2 12th की बात करते हैं, तो पहला प्रॉपर्टीज अपन लोग देखते हैं, मतलब पहला थ्योरम बोलो, पहला फार्मूला बोलो। तो हम क्या देखेंगे कि कॉस ए माइनस या फिर ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस, इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ बता नहीं रहे हैं क्योंकि ज़रूरत ऐसे अगर देखा जाए वो कभी पूछता नहीं है बोर्ड लेवल में, ठीक है। समझना चाहो तो बता देंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है याद रखियो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर एक्स वाई यहाँ पे रहे तो एक्स वाई के टर्म में ले जाना, हाँ ठीक है। थीटा फाई रहे तो उसके अकॉर्डिंग ले चलेंगे। अगर दूसरा इसी का दूसरा देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो दोनों से एक चीज़ मालूम पड़ा होगा कि दोनों फार्मूला में अंतर क्या है, कि यहाँ अगर प्लस है तो वहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, ठीक है। हम अभी इसका यूज़ भी बताएंगे, ठीक है, यूज़ भी बताएंगे। ये तो हो गया कॉस के टर्म में, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन साइन के टर्म में, ठीक है। हम पहले साइन का टर्म देख लेते हैं, इसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना भाई, बरोबर है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो अगर 10th की बात करें ना, तो ये फार्मूला है 10th के बुक में, लेकिन वहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मतलब फार्मूला है। वहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ रहता है 10th क्लास में। ये हो गया, इसका भी देख लेते हैं। इसमें भी दो फार्मूला, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर है यहाँ तक। इसमें क्या चेंजेज हुआ, अगर एक फार्मूला मेरे को मालूम है साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, तो दोनों पता है, ये सीधा वाला है और ये उल्टा वाला है। प्लस है तो बीच में क्या होगा, माइनस, और माइनस है तो प्लस, इसमें प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। चेंजेस कॉस है कॉस बी एक साथ रहेगा कॉस के टर्म में। कभी गलती हो जाता है कि साइन है साइन भी पहले लिख देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। कॉस से स्टार्ट हुआ है तो कॉस पहले आएगा और दोनों टर्म कॉस का रहेगा। कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, सेम है यहाँ पे भी, उसी तरीके से माइंड में रखना है। इसका देखें तो इसमें अल्टरनेट होता है, इसमें अल्टरनेट होता है, इसके जैसा नहीं, कॉस है कॉस बी एक ही साथ रहता है, इसमें अल्टरनेट होता है। जैसे साइन ए आया तो अगला कॉस भी आएगा, और जब जो इसमें कॉस भी था यहाँ कॉस ए हो जाता है, और यहाँ पे बी हो जाता है साइन बी। तो ऐसे याद रखना है इसको, शायद याद हो गया होगा मेरे, क्या मेरे को क्या ज़रूरत पड़ा इसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहीं पे देख लेते हैं। कॉस 15 का वैल्यू पता करना है, ठीक है, कॉस 15, या फिर इस तरीके से भी मिल सकता पाई अपॉन 12, वही हुआ 180 में 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 15, 15 नहीं आएगा ना। अब इसको वैल्यू कैसे इसका निकाले, क्योंकि हम क्या जानते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 इतना ही जानते हैं,
15 तो जानती नहीं है। क्या करेंगे देखो, डिफरेंस या फिर सम, ठीक है, डिफरेंस या फिर सम, ये दोनों का डिफरेंस जिससे 15 डिग्री आ जाए, किसी से भी देखो, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे, देखो 45 माइनस 30 डिग्री करेंगे तो भी 15 आएगा, आएगा ना, और 60 माइनस 45 करेंगे तो भी 15 आएगा, आ रहा ना। तो हम लोग जो नॉन फार्मूला है, नॉन वैल्यू है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, जो जान रहे हैं उसको यूज़ करके हमको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके ये एंगल को लाना है, समझ में आया। जो वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है, कि जो वैल्यू हम लोग जानते हैं उसी को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके ये एंगल को लाना है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको अपन लिख ले कॉस 45 माइनस 30, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए आप कि ये किस फार्मूला पे बैठा, कॉस ए माइनस बी, ए के जगह क्या है 45, बी के जगह क्या है 30, फार्मूला लगाइए आंसर पाइए, ठीक है। जैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या हम 60 माइनस 45 नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको भी करेंगे उससे भी वही आंसर आएगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो भी अपन अभी करके देख लेते हैं दोनों को, ठीक है। कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या है मालूम है, अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान से जब भी क्वेश्चन बनाना है फार्मूला याद करोगे, आज करोगे कल भूल जाओगे, उस फार्मूला पे इतना क्वेश्चन कर लो कि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए, ठीक है। आज ए प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गया क्या? नहीं ना, क्योंकि इतना क्वेश्चन उस पर आज तक इतना कर लिया है कि एक ए प्लस बी का फार्मूला भूला नहीं है। तो इतने जब इस पे क्वेश्चन आए ना तो इतना क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत मिलेगा आगे, इतना क्वेश्चन कर लो कि वो माइंड से हटे ही नहीं। तो कॉस ए माइनस बी जब भी बनाओ तो यूज़ कर लिया करो फार्मूला, अगर याद नहीं है या फिर याद होने में परेशानी है तो साइड में लिख दो कि हाँ ये फार्मूला यूज़ करके अपन ये क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी बराबर है, ए की जगह क्या है, लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो कॉस 45 माइनस 30, तो यहाँ लिख लो क्या आ जाएगा, कॉस ए की जगह 45 कॉस 30 साइन 45 और साइन, सही बताओ 45 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू, इसका और इसका 1/2, ठीक है, क्या आ गया देखो, ये आ गया √3/2√2 और प्लस 1/2√2, ये आएगा ना, मतलब क्या टोटल वैल्यू आ गया √3 + 1/√2, किसका वैल्यू आया cos 15, इसी को हम cos 15 बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि cos 60 माइनस 45 खुद से करके देखना है कि क्या हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है, बाद में कर लेना है, लिख लो। जिस तरीके से cos में अपन लोग किए, जो एंगल को मालूम था, एंगल का वैल्यू मेरे को मालूम था, उसको या तो ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके अपन लोग वैल्यू निकाले,
से कॉस 75 की बात करें, कॉस 105 की बात करें, कॉस 15 अपन लोग निकाल लिए, और जो भी हमारा जो नॉन वैल्यू से ऐड करके बना सकते हैं। जैसे कि बात करें आज कॉस 135 क्यों नहीं लिखे वो बताते हैं। कॉस 135 इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़े ही हैं, 90 + 45 मतलब 90 + 6, तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला पे ही बन जाएगा, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इधर जो इस पर बन रहा है वो उधर क्यों जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना है, और जिस तरीके से हम इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करके एंगल को लाएंगे उसी तरीके से हम लोग साइन में भी लाएंगे, उसी तरीके से हम लोग टैन में भी लाएंगे। तो अभी हम फार्मूला जब आगे देखेंगे तो अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो फार्मूला जाने इससे क्या क्या फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। रुक जाओ, धीरे धीरे हम सब ना बताएंगे, डायरेक्ट पंचमा तल्ला पे चल जाओगे क्या? हाँ पहले चलो भाई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तब ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर अगर यहां पे भी यही एंगल होता तो क्या होता। जैसे देखो कॉस ए प्लस ए ऐसा भी तो हो सकता, क्या परेशानी। कॉस ए प्लस ए मतलब कब, जब ए और बी क्या हो बराबर हो, तो फार्मूला क्या बन सकता है। लिखो पहले कॉस ए क्या होता है, कॉस बी, बी के जगह क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ए आई इंटू, कोई परेशानी नहीं, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये होगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉस टू ए। तो कॉस टू ए लिखें या फिर कॉस टू थीटा लिखें या फिर कॉस टू एक्स लिखें, बस एंगल यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, बरोबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। कौन फार्मूला बन गया भैया, कि कॉस टू थीटा, अगर यहाँ हम थीटा रखेंगे तब की बात कर रहे हैं, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी टेंथ में वेरीफाई करने के लिए था, ये भी टेंथ में वेरीफाई करने के लिए था कि हम थीटा का वैल्यू अगर 30 लेंगे तो आप इसको वेरीफाई कीजिए, मतलब ए का वैल्यू 30 लेंगे तो आप इसको वेरीफाई कीजिए। तो ये कैसे आया पता चला, अब अपन देखते हैं इससे कितना फार्मूला निकल सकता है, ठीक है। इससे कितना फार्मूला निकल सकता है, ये सब बहुत इसको इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो या कुछ और इसको बोल सकते हो, इतना इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी ट्वेल्थ में बहुत यूज में आएगा बहुत। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, कॉस टू ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं साइन, हम साइन में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए को चेंज करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए में, क्या फार्मूला होता है, बहुत बढ़िया, ठीक। हम कॉस स्क्वायर ए की जगह ये टर्म रख सकते हैं, बेहिचक रख सकते हैं, तो क्या हो गया 1 - साइन स्क्वायर ए, और माइनस पहले से है साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ गया देखो कॉस 2a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर, कोई परेशानी हो तो बोलो। ये दूसरा फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला किसके टर्म में है, कॉस स्क्वायर के टर्म में और साइन स्क्वायर, ये सिर्फ किसके टर्म में है, अगर भाई तभी भूल गया भाई, ठीक है, ये माइंड में नहीं रहा ये वाला, तो निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब हम ये बोले क्योंकि भाई बच्चा तो बहुत खतरनाक होता है 11th का, ठीक है,
बोलता है भाई ये यहाँ साइन है तो हमको कॉस में भी चाहिए, क्या करोगे? साइन को, हाँ साइन को क्या करेंगे अपन लोग? कॉस में बदल देंगे। बदल दीजिए भाई साहब, इसको अपन कर दें, इधर लिख देते हैं, ये लगा लेंगे, ठीक है, यही ना होता। देखो क्या होगा, कॉश 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं, यहां से नहीं देखते, ठीक है, कॉश स्क्वायर ए को रहने देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ भाई, माइनस आया है, खतरनाक है, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाओ, वन माइनस, हाँ बोलना, हाँ बरोबर है, लिख दिए, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस और ये बरोबर है, ये प्लस में दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू देखो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होगा। जिस तरीके से हम लोग कॉस 2 थीटा का फार्मूला निकाले इससे, उसी तरीके से हम साइन 2 थीटा का फार्मूला निकालते हैं साइन से, तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a, जब a और b क्या हो, इक्वल है, ठीक है, ये अपन साइन a प्लस से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b होता है फार्मूला, b के जगह भी यही होगा, प्लस कॉस a साइन b के जगह भी यही होगा, जहां जहां भी होगा वहां वहां a हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए दोनों क्या है, सेम है, बस इनटू में है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इनटू कॉस a, ये आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन 2a, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, बस क्या है, ये इनटू में है, आप इनटू किसी तरीके से भी लिख सकते, कॉस को पहले लिखें या फिर साइन, यहाँ पहले साइन है बाद में कॉस है, यहाँ पहले कॉस है बाद में साइन है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लिए, ऐसे समझो कि साइन को पहले लिख लिए और कॉस को बाद में लिख लिए, ठीक है, अगला स्टेप में फिर इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते, ठीक, इस तरीके से एक बात और याद रखो, अच्छा यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें एक चीज़, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखना कि यहाँ अगर एंगल डबल है, डबल है एंगल, तो यहाँ एंगल हाफ है, यहाँ डबल है तो यहाँ क्या है, हाफ है, अगर यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो नीचे दिख रहा है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि cos 2a इक्वल टू कुछ ऐसा फार्मूला हुआ होगा तब वो आया, cos स्क्वायर 2a अपॉन 2, हाँ माइनस साइन स्क्वायर 2a अपॉन 2 तभी आया होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया होगा, दोनों कैंसिल हो गए तभी आया होगा, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहां पे आ जाए 4a, हो सकता है ना 11th में कुछ भी दे देता है, तो जिस तरीके से यहां जो भी था उसका हाफ यहां पे हुआ, उसी तरीके से यहां 4a है तो उसका हाफ फार्मूला में होगा, जैसे अगर 4a तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2a हो जाएगा, 4a अपॉन 2 जो भी रहेगा आधा हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत, एंगल डबल है तो उसका क्या हो जा रहा था, हाफ हो जा रहा था, और भैया यहाँ पे अगर हम a ले लेते हैं cos a तो इसका आधा हो जाएगा,
तो आधा होगा तो पूरे में नहीं होगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बाई टू एंगल में होगा, ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, देखो यहाँ टू था तो टू टू कैंसिल हो गया, बस समझाने के लिए ये वाला हम बताएं तब कि कॉस टू ये वाला फार्मूला हम ऐसे क्यों लिखे, ये समझाने के लिए बताएं कि डिवाइड में टू हो रहा है तब ये टर्म आया, ये दोनों सेम है, और जब ए रहेगा तो क्या होगा, ये होगा, और ये आने वाले दिनों में मतलब जब चलोगे आगे तो ये बहुत यूज़ में आएगा, इसीलिए फार्मूला बताया, ठीक है। ये सब भी आएगा, जैसे 4a cos 4a cos 5a, ये सब भी फार्मूला तुमको आगे देखने को मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं लिखना है। एंगल का हाफ और होल का हाफ में बहुत क्या है अंतर, ठीक, समझ गया ना। अब एक बात बताना कि उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, समझो, लिखोगे, नहीं समझा गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और लाइन, जैसे यहाँ वाला पार्ट हम तुमको यहाँ लिख दिए, अब यहाँ अगर मेरे को कॉस ए चाहिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जहाँ एंगल रहेगा उसको क्या कर देंगे, सीधे हाफ कर देंगे, कोई परेशानी नहीं, यानी ये फार्मूला ऐसे बन गया, समझे। इस फार्मूला में अपन क्या करेंगे, अगर ए चाहिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा, और कुछ होगा चेंजेस क्या, नहीं ना, चलो तो ये समझ गया। अगर यहाँ पे मेरे को साइन ए चाहिए, अब देखो तुम कहोगे कि साइन ए का फार्मूला तो बहुत पता है मेरे को, ठीक है, 1 बटे कॉस ए के भी होता है और भी बहुत होता है, तो बात आती है कि ऐसा कब मेरे को पता चलेगा कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन ए बाई टू, देखो यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, कोई परेशानी है क्या, क्योंकि यहाँ भी तो वही है, यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ क्या है, इसका हाफ ही है, तो ये अगर ए है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे, नहीं ना। तो ये फार्मूला अपन लोग देख लिए। अब देखो बात है ना कि मतलब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे, जब कोई टर्म प्रूफ करेंगे हम लोग, यहाँ भी प्रूफ करने वाला है 11th में भी, तो देखेंगे कि अगर LHS हमारा नॉर्मल है थीटा के टर्म में, ए के टर्म में, और RHS थीटा बाई टू के टर्म में, थीटा बाई टू के टर्म में मतलब इसके टर्म में, तो कहीं ना कहीं ये वाला फार्मूला तो यूज़ होगा, तभी थीटा बाई टू आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे करेंगे तब इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे ये यूज़ में आता है। ऐसे भी ट्रिगोनमेट्री फार्मूला याद होना चाहिए और उससे ज़्यादा यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है, मतलब कहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, तो टोटल फार्मूला यहीं से निकला। उसी तरीके से टेन में भी होगा, टेन में भी होगा, हाँ, तो देखो उसी तरीके से हम लोग टेन में करेंगे, जैसे कि अगर बात करें, देखो टेन ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी कैसे आ सकता है, देखो साइन ए प्लस बी अपॉन में लिखेंगे क्या, कोई दिक्कत है क्या, टेन थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े बाबू, साइन थीटा बटे, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्या करें, अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का पता है मेरे को क्या है,
नीचे क्या आ जाएगा? कोई परेशानी? तो बोलोगे टेन थीटा टेन ए प्लस बी का डायरेक्टली यही फार्मूला, ठीक है? नहीं, बुक में कुछ और दिया हो रहा था तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया। देखो क्या किया है ना, कि ये कॉस ए इंटू कॉस बी को ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इससे, कॉस ए इंटू, क्योंकि देखो अभी क्या है, हम टेन का फार्मूला पढ़ रहे हैं, उस साइन में यार चाहिए टेन में ना, तब ना अच्छा लगेगा देखने में। तो अपन लोग क्या किए कि कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइडिंग कॉस ए कॉस बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ए, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इधर नहीं आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर वाला पहले लिखे, अंश ऊपर वाला डिवाइड कर दिए किससे, कॉस ए और कॉस बी से, सही है अभी तक, आगे भी सही रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कोई दिक्कत है क्या? जो यहाँ सेंटेंस लिखे वो काम कर दिए, और ये किसके बराबर है, सही है। अब बताना ये सेपरेटली हो जाएगा क्या, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, जैसे तुम कॉन्सेप्ट लगाए थे कि ए बाई टू ए बाई टू, तो एलसीएम में आ जाएगा टू, यहाँ पे एलसीएम में अलग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे इसको लिख लेते हैं, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस कॉस ए कॉस बी, ये वाला लिख रहे हैं ना, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, सॉरी साइन बी है, साइन बी लिख लेना, कॉस ए कॉस बी। अब देखो अब इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, देखो अगर एक बात करें, लिख ही देते हैं उसके बाद तुम लोग कर लेना, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, नीचे आ रहा है ना, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी इंटू, ठीक। इसको मिटा दे, देखो क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू, ये बताओ यहां से क्या होगा, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, यहां पूरे कैंसिल, यहां पे यहां कोई कैंसिल नहीं, तो देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, यहां टेन ए और यहाँ, मतलब कि हम इसको लिख दिए कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू, सही है, बस इतना ही याद रखना है। अगर इसी को ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, कैसे आया वो बता दिया कि बाय द वे कभी भूल गया।
तो अगर इसी को अगर माइनस करेंगे तो क्या चेंजेज आएगा वो देख लो। टेन ए माइनस में सिर्फ टेन बी हो जाता है, मतलब सभी जगह उल्टा हो जाता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, यानी ये हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू। कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से भी हम ए और बी को इक्वल करके टेन टू थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन तुम लोग करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ है इस पर क्वेश्चन भी अपन लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है ना।